फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। कल फाइनली रिजल्ट आ चुका है KVS नॉन टीचिंग का, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिजल्ट के बाद फाइनल कट ऑफ आपका क्या रह सकता है, क्योंकि इसके बाद आपके स्किल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपकी फाइनल मेडलिस्ट आने वाली है। तो वीडियो कंप्लीट देखे, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, और जो हमारी प्रेडिक्शन थी और अधिकतर प्रेडिक्शन हमारे कट ऑफ से मैच की है, जिसका मैं स्क्रीनशॉट में आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए, जनरल का 106 का कट ऑफ गया है जेएसए में, 91 ओबीसी का, और हमारा जो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हमने एक्सपेक्ट किया था, आप देख लीजिए यहाँ पे यूआर का, यहाँ पे देख सकते हो 100 से लेकर 105 के अराउंड गया है, ओबीसी का 95 के अराउंड गया है, ईडब्ल्यूएस का 98 से 100 के अराउंड गया। आप देख सकते हो ये जो वीडियो है 10 के व्यू 6 डेज एगो, जो पहले प्रेडिक्शन की थी हमने, उसके अराउंड गया है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, 88 एससी का गया था, 84 एसटी का गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आप चीज को, यहाँ पे एससी का 88 बिल्कुल सेम मैच किया है, एसटी का 82 जबकि 84 गया है, तो यहाँ पे दो तीन होगा। ईडब्ल्यू एस का थोड़ा ज्यादा हम हाइट बता दिया 98 से 100, लेकिन इतना नहीं गया है, और ओबीसी का करीबन आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अराउंड ही देखने को मिला, ओबीसी का 91 के अराउंड, ठीक है। तो मतलब जो कट ऑफ है इसके अराउंड देखने को मिला है। अब बच्चे ये जानना चाहते हैं, सर अब फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, स्किल टेस्ट कट ऑफ तो ज्यादा हाई चलेगी, खासकर जनरल की जहाँ पे 106 का कट ऑफ देखने को मिला, जबकि ये कट ऑफ जो था फाइनल के लिए जाने वाला था जनरल का 106.7 करीबन, लेकिन ये स्किल टेस्ट के लिए चला गया है। तो देखो अभी आपका क्या होने वाला है, अभी आपके स्किल टेस्ट होने वाला है, और मैं एक चीज बताता हूँ, स्किल टेस्ट में काफी सारे बच्चों को सिलेक्शन किया गया है। अगर आप यहाँ पे जीएससी की लिस्ट को देखोगे तो कहीं ना कहीं आप इसको देख पाओगे, तो कहीं 7984 कैंडिडेट को, बाप रे बाप, इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया स्किल टेस्ट के लिए। अब इतने स्टूडेंट में सिलेक्ट किया जाएगा, सिर्फ फाइनल कट ऑफ निकलेगा आपका सीबीटी एग्जाम में से, मतलब जो आपका अभी रिटर्न एग्जाम हुआ था उसमें आपका फाइनल कट ऑफ निकलेगा। तो आपको किसी भाग में स्किल टेस्ट जो आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे क्वालिफाई कैसे करेंगे, क्या चीज ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश में 35 की स्पीड मांगी गई है, तो कम से कम आपकी स्पीड कम से कम 45 से 50 के अराउंड आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। वही सीएसएल में जैसे स्पीड मांगी जाती है वैसी स्पीड मांगी गई है। हिंदी में अगर आप हिंदी में करेंगे तो 30 WPM की स्पीड मांगी जाएगी, तो ये स्पीड है। और मैं काफी बच्चे पूछ रहे सर बैकस्पेस अलाउड है या नहीं, तो बिल्कुल बैकस्पेस अलाउड है, कोई टेंशन नहीं है, बैकस्पेस अलाउड है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कट ऑफ क्या रहेगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं इस चीज के बारे में, क्योंकि काफी बच्चों के डाउट्स इसके अंडर है। तो मैं आपको जैसे यहाँ बताया था पहले का कट ऑफ, ये इसके अराउंड बताया गया था मेरा। अब देखो फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, जैसे मैं यहाँ पे पिछले साल कट ऑफ निकाल लेता हूँ यहाँ पे अभी वाला, तो ये देख सकते हो जनरल का कट ऑफ आपका 106 देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे मोटा मोटा एक रफ आइडिया की बात करूँ ना, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि जिस बच्चे के मार्क्स 106 से ऊपर भी आए होंगे, काफी बच्चों के मार्क्स जो जनरल में 108 110 भी आए होंगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो बच्चा स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा। हाँ मेहनत करेगा तो कर सकता है, लेकिन ये कि आपको प्रयास छोड़ना नहीं है। कम से कम अगर आपके मार्क्स अगर उन बच्चों से 4 नंबर या प्लस अगर इतने नंबर अगर ऊपर रहेंगे तो आपका एक फाइनल में चांस रह सकता है यूआर कैटेगरी में। अगर मान के चलिए समथिंग 110 से लेकर 112 तक मान के चलिए कि फाइनल कहीं ना कहीं रह सकता है, क्योंकि स्किल टेस्ट कट ऑफ थोड़ा हाई गया है जनरल का, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर 4 से 5 नंबर आपका ज्यादा रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका फाइनल में नाम आ सकता है सिलेक्शन के लिए, लेकिन कायदा यह है कि स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। ओबीसी 91 है, इसमें भी आप कम से कम यहाँ पे 95 से लेकर 96 की उम्मीद आप लगा लीजिए फाइनल का। एससी का 88 है, इसमें भी आप 92 से लेकर 93 की उम्मीद लगा लीजिए। एसटी का भी 87 की उम्मीद लगा लीजिए। ओएच कैंडिडेट का भी 90 करीब उम्मीद लगा लीजिए। अगर आप इतने लगाएंगे तो कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 8000 कैंडिडेट को अगर बुलाया गया स्किल टेस्ट में सपोज डैट, तो उसमें सिर्फ 700 कैंडिडेट को ही सिलेक्शन करना है फाइनल के लिए। तो आप सोच रहे जो फाइनल जो कट ऑफ है कॉम्पिटिशन ज्यादा हाई नजर आ रहा है, खासकर इस अंदाज से, क्योंकि स्किल टेस्ट में ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और स्किल टेस्ट का जो कट ऑफ गया वो बहुत ज्यादा हाई गया। अगर आपके 4 या 5 नंबर ऊपर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कायदा ये स्किल टेस्ट फोकस कीजिए, स्किल टेस्ट जैसे मैंने बोला था ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और स्किल टेस्ट आपका जो है 13 मैं गलत नहीं हूँ तो 13 मई से आपके स्किल टेस्ट जो स्टार्ट होने वाले हैं। तो कायदे स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए, स्पीड को बढ़िया एक्यूरेसी तक कीजिए, और थोड़ा इसको चीज को ध्यान रखिए, बाकी ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए जो आपका होने वाला है। बाकी ऐसी वैकेंसी दोबारा आ रही है उस पर तैयारी कीजिए, सीजीएल